इसमें रहीम डियर कैड्स टेंथ क्लास के दूसरे द चैम्पियंस का तीसरा वीडियो इट वॉज नॉट एक्टिंग एज नथिंग अनयूजल वॉज हैपनिंग ये नेचुरल नहीं था मतलब कोई एक्टिंग करना कोई वैसे ही अपने आप को अनजाना बनाना यह इतना आसान नहीं था वाई एज डोट नथिंग हैपनिंग कि इतना अनजान बनाएं कि कोई बहुत कोई ऐसे कोई गैरमूली चीज़ पेश होने वाली नहीं है मतलब ये कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट पेश होने वाला था मैं टू स्टार प्लेयर्स जब बहुत दो बड़े मशहूर प्लेयर्स एंड बाज़म फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड बास्त और गोइंग टू फाइट ईच अदर विदिन फ्यू शार्ट डेज वो कुछ ही दिनों में एक दूसरे लड़ने वाले थे देर एस्टेड दियर एल्बोज ऑन द रेलिंग सेपरेटिंग दैम फ्राम द रिवर ये दोनों जो दोस्त जो थे, ये वो रेल जो थी इसे हफाजती जंगला वो दरिया के किनारे पर जो बना है उस पर उन्होंने अपनी एल्बोज़ वो रखें और खड़े हो गए अली ब्रोक द साइलेंस अली बोल पड़ा एल्बोज का मतलब है ये ये हिस्सा कोहनी ये अपनी कोहनिया उस पर रखी मैन आई डोंट नो हाउ टू कम आउट विद इट मुझे नहीं पता मेरे दोस्त कि इस मसले को कैसे हल करें गुल्प्ड गुल बोल पड़ा इट्स अबाउट और फाइट राइट यानी तुम हमारे लड़ाई के बारे में बात कर रहे हो या राइट हाँ बिल्कुल आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट टू बड़ी बडी मीन बहुत दो करीबी दोस्त मेरे दोस्त मैं भी इसी के मुतालिक सोच रहा था इन फैक्ट सेंस वी फाउंड आउट इट वॉज़ गोइंग टू बी मी एंड यू हजीकत यह है कि जब से मुझे पता चला है कि ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे दरमियान होनी है आई हैव बीन अवेक एट नाइट्स मैं रातों को जागता हूँ पुलिंग पंचज आ तुम्हें मक्के मारता हूँ ट्राइंग नट टू हर्ट यू और कोशिश करता हूँ कि तुम्हें नुकसान न पहुँचाऊँ सेम हेयर मेरा भी यही ख्याल यही हाल है इट इज़ नेचुरल टू थिंक अबाउट दू तो कुदरती बात है कि हम दोनों फाइट के मुतालिक सोचते हैं आई मीन वी बोथ आर आउट स्टैंडिंग फाइटर मेरा मतलब है कि हम दोनों बहुत अच्छे मुकाबला करने वाले हैं एंड वी बोथ वन टू वन और हम दोनों जीतना चाहते हैं बट ओनली वन आर फर्स्ट कैन वन लेकिन हम दोनों में सिर्फ एक ही जीत सकता है दर इज नोट ड्रा इन द एलिमिनेशन और ये एलिमिनेशन में कोई ड्रा मैच भी नहीं होता एलिमिनेशन का मतलब ये कि या आर या पार या शकस कहोगे और या जीतोगे कोई ड्रा बगैर ड्रा का मतलब है बग़ैर हार जीत के कोई फैसला होने वाला नहीं है इसमें अली टेप गोल जेंटली जेंटली आन द शोल्डर अली ने गुल को उसके कंधे पर तप तपी दी आई डोंट मीन टू साउंड लाइक आई एम ब्रेगिंग मेरा हर यह मतलब नहीं है कि मैं कोई बढ़ के मार रहा हूँ के मारना ब्रेकिंग बढ़ के मारना अपनी हैसियत से बड़ी बातें कर रहा ब्रो ब्रदर बट आई वॉन्ट टू विन फेयर एंड स्क्र लेकिन साफ बात है फेयर एंड स्क्र साफ़ बात कह दूँ मैं जीतना चाहता हूँ गुल नॉट एट क्वाइटली गुल भी खामोशी से उसने भी सर हिलाया हाँ वी बोथ नो देट इन द रिंग द बेटर मैन वेंस हमें पता है कि रिंग में यानी अकाड़ा में जो बेहतरीन खिलाड़ी है वो जीतता है फ्रेंड आर नो फ्रेंड ब्रदर आर नो दोस्त हो या न हो भाई हो या ना हो देशुक हैंड्स उन्होंने एक दूसरे हाथ मिलाए एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट ईच अदर इन द रिंग और रुखसत हुए इस इरादे के साथ के पर इन रिंग में यानी खाड़े में हम मिलेंगे वॉकिंग द स्ट्रीट्स हैड नॉट रिलेक्स अली जब अली गलियों में जा रहा था तो वो पुरसकून नहीं था द मोर ही थाट अबाउट द फाइट द मोर ही परप्लेक्सड द मोर परप्लेक्ड ही फेल्ट इन्हें जितना वो गलियों में जा रहा था इस लड़ाई के बारे में सोच रहा था उतना ही वो परेशान हो रहा था परप्लेक्स परेशान होना लास्ट इन थाट्स ही लेफ्ट हेम सेल्फ क्वाइटली एंड टू हे अपार्टमेंट लास्ट इन थाट्स ख्यालों में गुम ही लिफ्ट हेम सेल्फ क्वाइटली उसने वो उधर से खामोशी के साथ चला गया एन टू हेज अपार्टमेंट अपने कमरे में अपने खाम खामोशी उसके साथ गया स्ट्रेट टू बेड अपार्टमेंट मीन उधर का जो उसका फ्लैट था उसका जो घर था उसमें गया और अपने बेड पे चला गया फॉलिंग एन टू अरेस्टलेस एंड फिट फुल स्लीप विथ साउंड ऑफ़ दाउंड वन और उधर बड़ी ही बे और फिट फुल स्लीप फिट फुल स्लीप का नींद आती थी कभी नींद नहीं आती थी उसके साथ विद साउंड आता, था फॉर राउंड वन और उसकी आवाज उसकी राउंड वन के लिए जो गोंग जो थी बिल उसकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी इसी तरह उसने वो रात गुजारी वन गुल रीच्ड होम ये तो अली की, की हालत है जब गुल घर पहुँचा ही मेड हेज वे तो टू द रूफ टॉप तो वो सीधे छत पर गया इन द कोट अर्ली डार्क ही पीर्ड बिलो बिल्कुल खामोश सुबह सवेरे की जो अंधेरा था ही पीड़ बिलो उसने नीचे देखा वेयर द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लेंकट जहाँ पर शहर के जो लाइट्स थे वो चमक रहे थे एंड द साउंड्स ऑफ़ कार्स मैंगल्ड विद द शाउट एंड द लाफ्टर ऑफ़ चिल्ड्रन एंड द साउंड्स ऑफ़ कार मैंगल्ड और जो गाड़ियों की आवाज़ें थीं वो गूंज रही थीं मिंगल गूंज रही थी विद द शाउट एंड द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्ट्रीट बच्चों की आवाज़ों और उनकी लाफ्टर यानी हंसने की आवाज़ के साथ जो गली में वो खेल रहे थे उनके साथ वो गूंज रही थी ही वाज पासिंग सम हेवी टाइम आन हिफ टाइम ऑन हिज रूफ टॉप वो अपने घर के छत पर बहुत सख्त वक्त गुजार रहा था यानी वो भी इस लड़ाई के मुतालिक सोच रहा था हाउ वुड द कमिंग फाइट इफेक्ट हिज रिलेशनशिप विद अली और वो ये सोच रहा था कि आने वाली लड़ाई उसका अली के साथ ताल्लुक पर कितना असरअंदाज होगा डियर कैरिक्स बाकी फोर्थ वीडियो में